तुमने ऐसा क्या खोया कि तुम जोर से रोते हो? तुम अपने साथ क्या लाए थे कि तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? तुम कुछ भी नहीं लाए, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह यहाँ से स्वामित्व में है। तुमने जो कुछ दिया है वह यहाँ पे दिया है। तुमने जो कुछ भी लिया वह भगवान से लिया। तुमने जो कुछ भी दिया तुमने उसी भगवान को दिया। तुम खुले हाथ आए और खाली हाथ निकल जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल दूसरे का था और परसों किसी और का होगा। तुम अनजाने में इस विचार का आनंद ले रहे हो कि यह तुम्हारा है। यही मायावी सुख है और यही तुम्हारे दुखों का कारण है। 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुदम्य पांडवः। अर्थात हे धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चयाने की तैयारी ही हो रही थी कि उसी समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाकर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। मीनिंग ओ धृतराष्ट्र, नाउ प्रिपरेशंस वर बीइंग मेड टू मूव आर्म्स एंड दैट एट द सेम टाइम सीइंग द किंग्स एंड देयर कंपेनियंस हु वर अनजस्टली होल्डिंग द किंगडम स्टैंडिंग इन फ्रंट फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड। कपिध्वज पांडु's son Arjun raised the Gandiv bow and spoke these words to Lord Krishna. What have you lost that you cry aloud? What did you bring with you that you lost? What did you manufacture which got destroyed? You did not bring anything. Whatever you have, you owned it from here. Whatever you have given it here. Whatever you took from God. Whatever you rendered, you gave it to Him. You came open-handed, you will leave open-handed. What is yours today belonged to others yesterday and will belong to someone else the day after tomorrow. You are ignorantly enjoying the thought that it is yours. It is this illusory happiness that is the cause of your sorrows. Thank you.